नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की चार बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। तो देखिये, पहली खबर होगी रेल के पहिए पर घूमती सियासत को लेकर, इसको भी आपको डिटेल में समझाएंगे। और फिर हमारी नजर होगी बिहार में बांग्लादेश वाली सियासत पर, ये भी आपको डिटेल में आगे समझाएंगे बुलेटिन में। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो आपको आतंक पर आखिरी प्रहार को भी समझाएंगे। और इसके बाद झारखंड के बकाए भुगतान के क्या कुछ फायदे हैं उसको भी समझाएंगे आगे डिटेल में बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं पहले खबर की। बिहार में रेल के पहिए को लेकर सियासत काफी तेज है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के एक ट्वीट के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लालू ने सारण के दरियापुर में बने रेल पहिया कारखाने को लेकर के सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया तो जवाब तेजस्वी यादव की ओर से आया। आरोप नीतीश सरकार पर लगे तो पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार में रेल पहिए को लेकर सियासत तेजी से घूम रही है। सारण में रेल पहिया कारखाना के बहाने लालू प्रसाद नीतीश सरकार पर प्रदेश में उद्योग नहीं लगाने को लेकर तंज कसते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर जो पोस्ट लिखा उस पर सियासत गर्म हो गई है। पहले लालू प्रसाद का ट्वीट पढ़ लीजिए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दियारापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। इसके निर्माण में लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार बढ़ने में रिकॉर्ड बनाकर देश के विकास में अहम योगदान दे रहे। बिहार के बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। रेल पहिया कारखाने पर लालू प्रसाद के पोस्ट के बाद उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए बिहार में उद्योग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम से बिहार संभल नहीं रहा। लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने, आज 10 साल से भी ज्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो, केवल ठगा है। इतना बिहार में अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुख्यमंत्री थक गए, गृह मंत्रालय चल नहीं रहा, बिहार ये चला नहीं पा रहे। थका हुआ मुख्यमंत्री के रूप में ये साबित है। बिहार के लोग इनको दोबारा लाने वाले। लालू प्रसाद के पोस्ट और तेजस्वी यादव के जवाब के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने आरजेडी के साथ ही विपक्ष पर तंज कसा है तो महागठबंधन के नेताओं ने इसे लालू प्रसाद के विजन की सफलता बताई है। बिहार के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का यह नया अवतार है। मुख्यमंत्री रहकर पहले चारा घोटाला किए, रेल मंत्री रहकर लैंड फॉर जॉब स्कैम किए, दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट पर भी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। बेला में जो रेलवे पहिया का जो फैक्ट्री है, यूपीए 1 के टाइम में लालू प्रसाद माननीय जब रेल मुख्यमंत्री थे तब उद्घाटन हुआ और आज ये 2 लाख पहिया बना चुकी है। ये तो ऐतिहासिक पल है, इसको कौन झुठला सकता है। जो लालू जी की सोच थी वो सोच सरजमीन पर उतरा और सरजमीन पर उतार करके उन्होंने बिहार और बिहार वासियों के नौजवानों के हितों में जो कार्य किया वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बेला रेल पहिया कारखाना आज अपने सर्वोत्तम कार्यकाल में चल रहा है लेकिन लालू जी को प्रचार करने का अद्भुत तरीका मिल जाता है। जब बिहार की ओर से इस प्रकार की प्रचार की खबरें उनको प्राप्त होती है तो उनको बेचैनी होने लगता है कि हमने ही ये काम किया है। बिहार में उद्योग नहीं होने को लेकर पहले से ही सियासत गर्म होती रही है। अब जबकि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में लालू प्रसाद के सोशल मीडिया पर किए पोस्ट के बाद उद्योग पर क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
आइए अब जरा रेल के पहिए पर घूमती सियासत को समझ लीजिए। देखिए, लालू प्रसाद ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लालू यादव ने रेल पहिया कारखाने का जिक्र किया। सारण के दरियापुर रेल फैक्ट्री की बात करके तंज कसा है। मेड इन बिहार वाली बात लालू प्रसाद ने कही। लालू प्रसाद के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर के बयान दिया। बिहार में उद्योग नहीं होने की बात तेजस्वी यादव ने कही, यानी कि वो कंपेयर करना चाह रहे हैं कि पहले जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने काफी कुछ काम किया, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार पर बिहार की तरक्की नहीं करने का आरोप लगाया गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की भी बात कही गई। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। लालू तेजस्वी ने एक साथ बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और बिहार में उद्योग का जिक्र कर संदेश देने की कोशिश की गई। उद्योग और रोजगार बिहार का बड़ा मुद्दा रहा है। लालू एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके रेल मंत्री रहते काम हुआ है, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। और तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा ही संदेश देना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव के भी बोल कुछ ऐसे ही हैं। बिहार में रोजगार पर क्रेडिट लेने की एक तरीके से देखा जाए तो होड़ लगी हुई है। बढ़ते खबरों में आ गया। देखिए, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सवाल अपने देश में होने लगे। सवाल पूछा जाने लगा कि क्या बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए दाखिल हो सकते हैं। सीमा पार से जारी सियासत पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक के बयान पर आखिर क्यों मच गया है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मची हिंसा और बवाल के बाद एक ही सवाल घूम रहे थे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में भी घुसपैठ होने वाली है। वैसे सवाल के बीच बिहार के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने एक बड़ा बयान दे दिया। विधायक ने कहा कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, अगर है तो भारत सरकार उसे देश से निकाल बाहर करे। हमको एक बात समझ नहीं आ रही है, सेंट्रल सरकार बोल रही है कि ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर उनको चाहिए था, गृह मंत्री है उनको चाहिए था, आप निकालिए कौन कौन बांग्लादेशी है। मैं तो कहता हूँ एक भी बांग्लादेश नहीं है यहाँ पे। अगर वो आप कह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको खोज के निकालिए, और हम चाह रहे हैं कि बांग्लादेश कोई है तो निकले यहाँ से। कांग्रेस विधायक के बांग्लादेशी घुसपैठ को देकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर संभल कर बयान दिया तो बीजेपी इस बयान पर हमलावर नजर आ रही है। बिहार के अंदरूनी हिस्सों में बांग्लादेश घुसपैठियों का बोलबाला हो गया है। अगर नहीं है तो धार्मिक असंतुलन जो पैदा हुआ है, डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है? समय रहते अगर भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में बिहार भी बांग्लादेश बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होता है कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी अगर घुस गए हैं तो आइडेंटिफाई करिए, और सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है। हम तो लगातार कहते रहे कोई भी घुसपैठ, किसी देश का घुसपैठ अगर देश में आता है तो आइडेंटिफाई करो और बाहर का रास्ता दिखाओ। देखिए, पता नहीं उन्होंने इस तरह का जो बातें कही है उसका आधार क्या है मुझे नहीं जानकारी है। कोई भी बाहर के लोग, बाहर के देश के लोग, चाहे बांग्लादेशी हो या है या नहीं है, इसकी पुष्टि तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया जा सकता है। अब अगर ऐसा है और नहीं भी है तो सरकार अधिकृत है उसको देखने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए। बिहार में घुसपैठ और बांग्लादेश के सवाल पर जिस तरह से सियासत गर्म है उससे आने वाले समय में इसके और भी जोर पकड़ने के आसार हैं। वैसे बांग्लादेश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य भी हो रही है। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
आइए बिहार में बांग्लादेश वाली सियासत को समझिए। बिहार की सियासत में बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा हावी हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और वहां पर तख्तापलट के बाद कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। बिहार में भी घुसपैठ का मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत हो गया। अब ये मुद्दा जो है सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस विधायक के बयान पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है और उन्होंने कहा कि अगर है तो भारत सरकार उनको बाहर निकाले। कांग्रेस विधायक के बयान पर अब एनडीए हमलावर है। बिहार में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा काफी समय पहले से भी रहा है और चूंकि सीमांचल का जो इलाका है वहां पर घुसपैठ के मुद्दे लगातार उठते रहे हैं और ये मुद्दा जो है सियासत इस पर काफी ज्यादा पहले से भी होती रही है और बीजेपी लगातार घुसपैठ का जो मुद्दा है वो उठाती रही है। कई बार चुनावी मुद्दा भी बन जाता है ये घुसपैठ का मुद्दा। और इसी बीच देखिए बांग्लादेश से घुसपैठ का जो मुद्दा है वो भी उठ रहा है और इसी को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म है। और जब कांग्रेस के एक विधायक ने बयान दिया उसके बाद काफी ज्यादा इसको लेकर सियासत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं की, कल देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उससे पहले आज आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए, वहीं सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बल से आतंकियों की मुठभेड़। देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। एनकाउंटर में एक कैप्टन शहीद। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए, जबकि 4 आतंकियों में 2 को सुरक्षा बल ने मार गिराया। ये मुठभेड़ डोडा पटनी टॉप, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग कर दी और घने जंगलों में छिप गए। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। एनकाउंटर में भारतीय सेना के 48 नेशनल राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप इलाके में एक मुठभेड़ होती है, देर रात कुछ आतंकियों को देखा जाता है। भारतीय सेना के जवान उन आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें एक आतंकी घायल हो जाता है, लेकिन उन के साथ जो बाकी 3 आतंकी, जो कि बताया जा रहा है कि 4 टोटल आतंकी थे, बाकी आतंकियों ने सेना के एक अफसर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद एक जो सेना का अधिकारी था वो शहीद हो गया है। घटना स्थल से सुरक्षा बल ने कई हथियारों के साथ अमेरिकी M4 असॉल्ट राइफल और आतंकियों के 3 बैग बरामद किए। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद कश्मीर घाटी से जम्मू के इलाकों में शिफ्ट हो गया है और जम्मू के घने जंगलों को आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बल की आतंकियों से ये चौथी मुठभेड़ है। 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई थी। इसी दिन उधमपुर में बसंतगढ़ के जंगलों में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे। और आज पटनी टॉप में आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। जानकारों का कहना है कि ये आतंकवादियों की हिट एंड रन स्ट्रेटेजी है, जिसमें वो सुरक्षा बल को निशाना बनाते हैं, फिर कायरों की तरह भागकर जम्मू के घने जंगलों में छिप जाते हैं। अभी वो चल रहा है, ongoing। तो ये जो टेररिस्ट हैं, ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, जंगलों में छुपते हैं
और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये न्यू टैक्टिक्स टेररिस्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी फौज, हमारी CAPF, हमारी पुलिस ये इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जाए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और NSA अजीत डोवाल मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज ही जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की चुनाव आयोग से बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। क्या ऐसे समय में आतंकवादी संगठन अपनी नापाक हरकतों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आतंक पर आखिरी प्रहार को जरा समझिए। देखिए, सीमा पार से आतंकी जो है लगातार हमले कर रहे हैं, भारतीय सीमा में घुसपैठ की लगातार कोशिश हो रही है, भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है और लगातार सेना और आतंकियों में मुठभेड़ भी हो रही है। कई बार आतंकियों को ढेर कर दिया जा रहा है, कई बार हमारे जवान शहीद हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए, देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उससे पहले आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए, लगातार भारतीय सेना आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, किसी भी हाल में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। सेना पर जो जवान खड़े हैं, भारत से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम भी किया जा रहा है कई बार। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने पर वारदात बढ़ी है, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, आतंकी लगातार भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सेना के जवाब के बाद आतंकी मुंह की भी खा रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाए 1,36,00,00,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के बकाए भुगतान को जल्द से जल्द लौटाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई। सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है और अब केंद्र से झारखंड को अपने बकाए के 1,36,000,00,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि हर झारखंडी के इस बकाए पैसे को लेकर के आपकी सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा, 12 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान होगा। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, झारखंड के बकाए भुगतान के फायदे को समझिए। देखिए, झारखंड सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आ जाएगी। केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाए का भुगतान का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 1,36,00,00,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार राज्य के बकाए भुगतान को लौटाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन काफी अब खुश हो चुके हैं, खुशी जताई है, उन्होंने पोस्ट भी किया है और इस फैसले को उन्होंने बड़ी जीत बताई है, उन्होंने अपनी जीत बताई है। सीएम हेमंत सोरेन काफी खुश दिख रहे हैं इस फैसले के बाद, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया और इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पुरानी मांग जो है वो पूरी हुई है, झारखंड को 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया अब मिल जाएगा, 12 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान होगा। सीएम हेमंत ने कहा है कि राज्यवासियों का हक सुरक्षित हो, इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में करने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया है कि ये जो पैसे मिलेंगे राज्य को उसका उपयोग जन कल्याण में होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।